अस्सलाम वालेकुम टू माय YouTube फैमिली। तो आज जी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यमी ब्रेकफास्ट आइडिया। पेप्सी। 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 ये था जी पेप्सी, जो कि है साथ वालों के घर और ये है उनकी छत। थोड़ा सा प्ले कर लिया जाए जी, ये गेम बचपन में हम बहुत खेलते हैं। एंड दिस इज टिक क्रॉस, नंबर वन पे है जी ब्रेकफास्ट आइडियाज में। आप इस तरह ऑमलेट बनाएं एंड देन स्लाइसेस को उसके बीच में डिप करें और उसको इस तरह से टर्न करें कि आप चाय के साथ नोश फरमा सकें, लाइक दिस। ये देखिए जी, एक साइड से टर्न करेंगे इस तरह से, एक सैंडविच सा बनाएंगे। यहां से टर्न किया, देन इधर साइड से टर्न किया और इस स्लाइस को पकड़ के ऐसे खाया। नंबर सेकंड पे है जी फ्रेंच टोस्ट, किसको नहीं बनाने आते ये मीठे पीस। नंबर थर्ड पे है बाकर खानी, खा सकते हो ये तो बनीस किया, आप जिस मर्जी की खाएं, जो आपको पसंद है चाय के साथ। ये देखें जी, चाय के साथ फ्रेंच टोस्ट और चाय के साथ पाकर खानी। नंबर फोर पे है जी ऑमलेट स्लाइस, नंबर फाइव पे है स्लाइस के साथ बटर हो गया, जैम हो गया, ये यंग्स के कुछ चिकन स्प्रेड, चिकन मायोनीज या फिर खाली स्प्रेड भी, वेजिटेबल स्प्रेड वगैरह मिलते हैं, वो सब आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद नंबर सिक्स पे जी मैं होममेड सैंडविचेस बनाने लगी हूँ, जिसमें मेयोनीज, बॉयल एग, मक्खन, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और बॉयल चिकन की जरूरत पड़ेगी। क्या करेंगे जी, चिकन में ये बॉयल चिकन की ऐसे रेशे रेशे कर ली, अब ये एग को हमने इस तरह से कुट कुटा लिया। अब जी इसमें मक्खन, मेयोनीज, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और एंड पे हम एग को मतलब इसके अंदर मिक्स करेंगे, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। और इसको हम सैंडविचेस पे लगा सकते हैं, बना के फ्रिज में स्टोर कर लें। नाइस जी। नंबर सेवन पे आता है जी कुछ सैंडविचेस आप बना सकते हैं इस तरह सैंडविच मेकर में, कोई भी घर का सालन है, रात का पकावा, आलू की भुजिया है, गोभी आलू है, माश की दाल है, कीमा है। ये इस तरह मेरे पास जी आलू अंडे की भुजिया थी, वो मैंने बीच में डाली है और इस तरह से आप सैंडविचेस बनाएं और उसको फिर चाय के साथ नोश फरमाएं, राइट? या और जी ये देखें जी, ब्लिंक करी है लाइट और बन गए हमारे सैंडविचेस, गर्मा गर्म सैंडविचेस विद अ कप ऑफ टी। टन टन, ये म्यूजिक जो चल रहा है दैट इज कॉपीराइट फ्री। ओके, अब नंबर नाइन है, ये क्या नंबर एट है, आई थिंक नंबर एट है हमारे पास सागुदाना। सागुदाना ले सकते हैं आप बॉयल दूध के साथ। अब डिस्कस करते हैं कुछ माई फेवरेट डिशेस। दिस इज़ अ फ्रूट ट्राइफल, जो कि मैं बनाती हूँ बड़े मज़े का। ये है मैक्रोनी, जो कि मैं बनाती हूँ बड़े मज़े की। ओके, आज आपको बताती हूँ, एक डील आई है मैकडोनल्ड्स की, जो कि है 1750 में चार बर्गर हैं, एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक है और साथ में है जी फ्राइज, नगेट्स। ये बहुत मज़े की डील है, चिकन वैल्यू आई थिंक इसका नाम। और ये हम वेट कर रहे हैं, गुलबर्ग वाला मैकडोनल्ड है यहाँ पे, बहुत ही क्विक सर्विस, विद इन 5 मिनट्स हमें हमारी डील मिल गई। ये देखिए जी डील, ये साथ थी कोल्ड ड्रिंक, अपनी मर्जी की आप चॉइस कर सकते हैं। और यहाँ कॉफी पीने का दिल कर रहा था बट वी आर गेटिंग लेट सो वी हैव टू गो 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 गो। या
बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है जी, बेन साउंड ड्रीम्स का, क्योंकि है कॉपीराइट फ्री। अब आ गया जी घर के पेट जिसका नाम है सिम्बा। सिम्बा सिम्बा ओ सिम्बा ये बहुत क्यूट पेट है, किसको नहीं कहता। इसके बाद अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ डील क्या कहनी है यार। यासिर ब्रोस गए थे, उसमें खाना खाया, पहले स्टार्टर में सूप पिया, उसके बाद ये चॉइस कर रहे हैं हम लोग, और वही घिसी पिटी चीज़ें सारी कसम से। यासिर ब्रोस का ना मुझे सूप अच्छा लगा था, मज़े का था सूप, मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, चाहे कहीं के भी पिला दो, लेकिन आई प्रेफर चाइना टाउन का बहुत पसंद था मुझे जी। ये ना अब ये सूप हो गया फिनिश, और सूप के फिनिश होने के बाद बर्तन हो गए गंदे और ऐसे फैले। इसके बाद हमने एक और चीज़ ऑर्डर की है जो कि आ रही है अभी थोड़ी देर तक, आपको दिखाते हैं क्या है वो। ये है जी इनका स्पेशल रोस्ट, और जिसकी वजह से ये फेमस है यासिर ब्रोस, और दिस इज एन वाई फन। अब हड्डियाँ आ गई ये फिर इसके बाद मंगवाए थे जी राइस और शाशलिक, और पता नहीं क्यों मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मज़े का नहीं था। आई थिंक चाइनीज़ के मामले में इट्स नॉट गुड ऑप्शन। सो ये आ गया जी राइस एंड शाशलिक। अनदर फेवरेट ऑफ माइन इज Yummy fish in this season. ज़रूर try करें, मुझे personally ये भी बहुत पसंद है और finger fish भी बहुत पसंद है। So बेसन वाली fish try करें आप, सरदार वालों की, सिद्दीक वालों की भी बहुत famous होती है वैसे। And again this pet time, Simba time. और ये आ गया जी सिम्बा का फूड का टाइम, ये खाता है जी ये, और फौरन ही आ जाता है पहले, इसको पता चल जाता है। ओके नाउ बेकरी आइटम्स, ये हमने विजिट किया बेकरी बंदू खान, और बंदू खान में इतनी सारी वैरायटी थी मिठाइयों की जो कि मुझे बहुत पसंद आ रही थी। और पीछे हटो बेटा, ये देखिए जी हलवे, मुझे पर्सनली इसमें गाजर का हलवा और दाल का हलवा बहुत पसंद है। केक्स में मुझे बेसिकली चॉकलेट केक भी पसंद है और फ्रेश क्रीम केक भी पसंद है, दोनों ही बहुत पसंद है। सो आगे चलते हैं जी, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है, सैंडविचेस बहुत पसंद हैं, ड्राई केक मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे फ्रेश क्रीम केक ज़्यादा पसंद है। ये है जी मसाला टी, कैडबरी डेरी मिल्क, यम्मी मम्मी बोले आई। ये 10 रुपए की है, वैसे मैंने ढेर सारा स्टॉक जमा कर लिया क्योंकि थोड़ी थोड़ी खानी होती है, अपने फैट का भी ख्याल करना पड़ता है। ये पेस्ट्रीज बहुत पसंद थी जी, चॉकलेट ब्राउनी और फ्रेश क्रीम की पेस्ट्री। इसके बाद द गुड न्यूज इज हॉल बुकिंग, ये है जी गार्डन टाउन पे मस्त हॉल ग्रैंड मार्की, जो के हो गया फाइनल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आपको दिखाते हैं अंदर का डेकोर कैसी होती है मार्की। पार्किंग काफी अच्छी है, फेस बहुत अच्छा है, एंड देन मार्की खुद बहुत अच्छी है पर्सनली। ये देखिए जी इंटरनली कैसी है ये मार्की, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा था जब हम बुकिंग कराने गए थे, सो मैंने इसको कैप्चर कर लिया,
ये बाहर देखिए डेकोरेशन कितनी अच्छी करते हैं। और इस टाइम ये कोई टाइम था तकरीबन 6-7 बजे का, सो अभी कोई गेस्ट इनका आया नहीं हुआ था, सब सेटिंग वेटिंग हो रही थी। दिस इज द मार्की फॉर माई सिस्टर, यम्मी लव। और ये लिखा ग्रैंड मार्की, और इनके ऑफिस जाते हैं और वहां देखते हैं जहां मेरे पेरेंट्स बुकिंग करा रहे हैं। लेट्स गो। चमचमाती लाइट्स एंड एंजॉयमेंट। ये जी बुकिंग हो रही है और हम वापसी का रास्ता घर की तरफ इस खुशखबरी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप शेयरिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।